अजूनही दलितांवरचे अत्याचार थांबले नाही. आज ही काही खेड्यापाड्यामध्ये दलितांवर अत्याचार होत आहे. आठवले साहब आप बोल रहे की दलितों पर अत्याचार आज भी हो रहा है, आप खुद सत्ताधारियों के साथ में है, क्यों आवाज नहीं उठा पा रहा? नहीं, मैं तो आवाज उठाता हूँ. मैं जब जहाँ अत्याचार होता है वहाँ मैं जाकर आता भी हूँ, और अत्याचार जो है सरकार में मैं जरूर हूँ, लेकिन दलितों के लिए मैं सरकार में हूँ. और जब अत्याचार होता है तो उसको, जब भी जो कोई अत्याचार करते हैं उनको, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम प्रशासन से कोशिश करते हैं, उन फैमिली को प्रोटेक्शन देते हैं, उनको मदद भी करते हैं. तो आज भी अत्याचार हो रहे हैं, तो अत्याचार के लिए कोई सरकार की भी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन सरकार की, सरकार तब कार्रवाई करती है जब अत्याचार होता है. लेकिन अत्याचार नहीं होना चाहिए, उसके लिए सभी पार्टियों ने, सभी वर्कर्स ने, सभी एनजीओ ने कोशिश करनी चाहिए, और किसी भी गांव में अत्याचार ना हो उसके लिए गांव गांव के मुखिया ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल इंटरकास्ट लव मैरिज बहुत सारे होते हैं, और उससे भी मतलब दलित पर अटैक होता है. और दूसरा कारण ये है कि दलित अच्छे कपड़े पहनकर अगर गांव में घूमता है तो कुछ लोग अच्छा नहीं लगता है. दलित अगर किसान बनता है तो भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है. दलित अगर कोई उद्योग डालता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है. तो इसीलिए अत्याचार आज भी होता है, और अत्याचार बढ़ने का कारण ये है कि दलित समाज में बहुत बड़ी जो पॉलिटिकल एकता नहीं होगी, लेकिन सोशल इक्वालिटी हमारे समाज में बहुत बड़ी है. अगर आप 14 अप्रैल को अगर आप जाते हैं तो शहर छोड़ दो, लेकिन गांव में अगर आप जाते हैं तो 14 अप्रैल को घर घर पर नीला झंडा लहराते हुए आपको दिखाई देता है. रास्ते में अगर आप रोड से जाएंगे पूरे रोड में नीले नीले रंग के झंडे आपको दिखाई देते हैं, और उसमें हमारी पार्टी भी होती है, हमारा समाज भी होता है. तो हमारे समाज में जागरूकता है. आज हमारे 10 घरों का भी हमारा समाज होगा तो बाबा साहब की जयंती मनाता है, और इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है. समाज में प्रगति भी हो रही है, समाज में IPS IAS इंजीनियर प्रोफेसर एडवोकेट्स ऐसे बहुत सारे लोग भी मतलब नौकरी ले रहे हैं.